नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल जीके क्लास में। दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि टेट, सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आपके ऑप्शन है ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर या डी भूमध्य सागर। तो कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यह करता है भूमध्य सागर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र या डी भू रासायनिक चक्र। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी चीन। तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है क्योंकि जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ठंड पड़ती है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। सूर्य क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। तो यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से या फिर डी जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए इतिहास, बी भूगोल, सी राजनीति विज्ञान या फिर डी अर्थशास्त्र। तो किस विषय से सर्वाधिक है? यह सर्वाधिक है भूगोल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए फिरन, बी अंगरखी, सी बुगतारी या फिर डी अचकन। तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कहलाता है फिरन। ये फिरन क्या है? यह है एक प्रकार की पोशाक होती है, एक प्रकार की पोशाक होती है जो कि कश्मीरी लोग जो हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए सर्दियों में पहनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा या फिर डी चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? यह है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? आपके ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या डी प्लाज्मा। तो पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो यह होती है ठोस। तो यह क्यों होती है? क्योंकि अणुओं के बीच ठोसों में आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है जिससे ये एक दूसरे से क्लोजली जुड़े रहते हैं। तो यही कारण है कि ठोसों में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। अगर यही पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है तो यह होती है गैसों में, गैस में सबसे अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम,
बी गंधक, सी पोटेशियम या फिर डी लोहा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज का होना बहुत आवश्यक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि दिल तथा किडनी को स्वस्थ रखना तथा इनके कार्यों को नियंत्रित करना पोटेशियम का कार्य होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है ए पीट को, बी लिग्नाइट को, सी बिटुमिनस को या फिर डी एंथ्रासाइट को। तो भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी हिमालय में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली में या फिर डी पूर्वी घाट में। तो सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत श्रृंखला जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। अगर यही एक क्वेश्चन और पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस पहाड़ी में स्थित है, तो यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो नाम है अन्नामुदी, अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह कौन से राज्य में पाई जाती है? यह है केरल राज्य, केरल राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पानी स्थित है? कितने भूभाग पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए 71%, बी 76%, सी 77% या फिर डी 69%। तो कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो यह है 71%। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप है। आपके ऑप्शन है ए जल नल का पानी, बी वर्षा का पानी, सी समुद्र का पानी या फिर डी आश्वित पानी। तो पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह है वर्षा का पानी। और शुद्ध पानी जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है ये होता है 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी यूरोप में या फिर डी उत्तरी अमेरिका में। तो सबसे कम जैव विविधता अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।